नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दी करंट अफेयर शो में और मैं हूं आनंद कुमार। आज के दी करंट अफेयर शो में हम दो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर एनालिसिस करने जा रहे हैं, जिसमें से सबसे पहला जो टॉपिक होगा टैक्स पेयर्स के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग दी ऑनेस्ट। इस प्लेटफॉर्म के एम के बारे में हम जानेंगे, इसके फीचर्स के बारे में जानेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा उस पर भी चर्चा करेंगे और बाद में इसके फैक्टर पर भी नज़र डालेंगे। इसके बाद आज के इस डिस्कशन वीडियो में जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा वो होगा पाकिस्तान के विदेश मंत्री कभी कभी बचकाना हरकत करते रहते हैं, विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उनके विवादित बयान से पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के दी करंट अफेयर शो की शुरुआत करते हैं। देश की टैक्सेशन सिस्टम में कई समस्याएं हैं। सबसे पहले तो देश में टैक्स देते ही बहुत कम लोग हैं। 130 करोड़ की आबादी में लगभग 1.5 करोड़ लोग ही इनकम टैक्स देते हैं, यानी कि मुश्किल से आबादी का 1%। टैक्स पेयर्स के लिए टैक्सेशन सिस्टम भी लंबे समय से काफ़ी जटिल रही है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट का सहारा लेना देश में आम बात है। उसके ऊपर से टैक्स भरने और टैक्स से छूट प्राप्त करने के प्रावधान इतने सारे हैं कि लोगों का दिमाग चक्कर खा जाता है। सरकार का राजस्व बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध आयकर विभाग को भी आम लोगों की कल्पना में डर पैदा करने वाले एक विभाग के रूप में देखा जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिर्फ छापे ही मारता है और अगर आप उसकी नज़र में आ गए तो वो निश्चित ही आपका धन हथिया लेगा, ऐसा लोगों का मानना है और ऐसा लोग अपने मन में बैठाकर भी चलते हैं। और इसी डर को ख़त्म करने के लिए भारत सरकार द्वारा ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग दी ऑनेस्ट नाम से एक प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है, ताकि टैक्स पेयर्स के मन से डर को भगाया जा सके। इसके बाद ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग दी ऑनेस्ट इस प्लेटफॉर्म को लाने के पीछे का अगर हम उद्देश्य देखें तो कंप्लायंस एंड एक्सपेडाइटिंग रिफंड्स को इजी बनाना इसका उद्देश्य है। इसके बाद अगर हम इस प्लेटफॉर्म के फीचर की बात करें तो इसमें तीन टाइप के फीचर हैं। सबसे पहला फेसलेस असेसमेंट, यानी कि चेहरा विहीन मूल्यांकन आप इसे कह सकते हो। अगर आप किसी तरह के इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हो तो वो फेसलेस ही भर सकते हो, घर से ही भर सकते हो, इंटरनेट की मदद से ही भर सकते हो। सरकार ऐसी सुविधा करने जा रही है। इसके अलावा सेकेंड इसका फीचर है फेसलेस अपील, यानी कि आप इनकम टैक्स रिटर्न पर किसी प्रकार से कोई अपील करना चाहते हो तो वो भी फेसलेस, यानी कि आप घर से ही इंटरनेट की मदद से कर सकते हो। इसके टैक्स पेयर्स चार्टर इसका तीसरा फीचर है। इसी साल के फाइनेंशियल ईयर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषणा किया गया था टैक्स पेयर्स चार्टर का, जिसके अंतर्गत यहां ट्रस्ट बिल्ड किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन और किसके बीच में, टैक्स पेयर्स के बीच में। तो इसके तीन टाइप्स के जो फीचर हैं ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम इसके कुछ फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चार फैक्टर हैं जो टैक्सेशन सिस्टम को चेंज करेगा, जिसमें से सबसे पहला है पॉलिसी ड्राइवन गवर्नेंस, दूसरा है बिलीव इन पीपल्स ऑनेस्टी, यानी कि जो टैक्स पेयर्स हैं उन पर भरोसा करना। उसके बाद जो तीसरा इसका फैक्टर है वो यूज़ ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, और जो चौथा फैक्टर है एफिशिएंसी इन ब्यूरोक्रेसी। तो इस प्लेटफॉर्म के फीचर्स को आप ध्यान रखिएगा, इस प्लेटफॉर्म के आप फैक्टर को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ इतनी बातों को आप लोगों को ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग दी ऑनेस्ट के बारे में याद रखना है, इस प्लेटफॉर्म के बारे में याद रखना है। आखिर इस प्लेटफॉर्म को क्यों लाया गया है, टैक्स पेयर्स की सुविधा के लिए लाया गया है, इसके फीचर्स किस प्रकार से हैं, और इसके बाद आप लोगों को इसके फैक्टर्स के बारे में भी ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने आज के अगले टॉपिक की तरफ। तो हाल ही में सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर बैन लगा दिया है, जो पाकिस्तान को लोन दिया जाता है सऊदी अरब की तरफ से, या फिर जो ऑयल का सप्लाई किया जाता है उस पर बैन लगा दिया गया है। तो चलिए इसके पीछे का हम कारण जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर इस तरह का बैन आखिर क्यों लगाया। लेकिन यहां पर देख लीजिए पाकिस्तान को किस प्रकार से इस बैन से नुकसान होने वाला है। ये टॉपिक हम इसलिए एनालिसिस कर रहे हैं क्योंकि इसमें हम भारत के एंगल को भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि 2018 में पाकिस्तान को $6.2 बिलियन का कर्ज दिया गया था सऊदी अरब की तरफ से, जिसमें से जो $3 बिलियन था वो एक ऋण के तौर पर था, यानी कि लोन के तौर पर, और $3.2 बिलियन एक ऑयल का क्रेडिट था, जिसमें से $1 बिलियन का कर्ज
तुरंत चुकाने पर पाकिस्तान को मजबूर किया गया है सऊदी अरब की तरफ से। इसके बाद अब हम यहाँ ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर सऊदी अरब ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि दशकों पुरानी दोस्ती है पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच। तो कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं महमूद कुरैशी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट में वो कहते हैं, कुरैशी ने भारत के खिलाफ रुख नहीं अपनाने पर सऊदी अरब के नेतृत्व वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को चेतावनी दे डाली। इन्होंने अपने चेतावनी में कहा कि यदि ओआईसी इस मामले में आगे नहीं आया तो पाकिस्तान उन इस्लामिक देशों की बैठक बुलाने के लिए मजबूर हो जाएगा जो कश्मीर के मुद्दे पर हमारे साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। यानी कि यहाँ पर सऊदी अरब को खुली चेतावनी दे डाली पाकिस्तान ने कि अगर कश्मीर मुद्दे पर सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ नहीं आता है और ओआईसी में बैठक में कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाया जाता है तो पाकिस्तान यहाँ पर बाकी कंट्रीज के साथ में मिलकर जो कश्मीर मुद्दे पर उनका साथ देने वाले हैं उनके साथ में वो बैठक आयोजित कर लेगा, जिसके बाद सऊदी अरब ने कड़ा रुख अपनाया और पाकिस्तान पर इस प्रकार से बैन लगा दिया। आगे हम बात करेंगे कि आखिर सऊदी अरब क्यों कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ नहीं देना चाहता है या नहीं दे रहा है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बारे में जान लेते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य क्या है? जैसे बाकी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य होता है विश्व में शांति स्थापित करना, इसके अलावा इस ऑर्गेनाइजेशन का ये भी उद्देश्य है कि मुस्लिम समुदायों के हितों की रक्षा करना और उसका संरक्षण करना, क्योंकि यह जो ऑर्गेनाइजेशन है एक इस्लामिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 25 सितंबर 1969 को किया था। अंतर सरकारी संगठन यानी कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर इसमें टोटल मेंबर्स की हम बात करें तो इसके टोटल मेंबर्स 57 हैं, जिसमें से जो 40 इसके कंट्रीज हैं उनकी जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो सऊदी अरब में स्थित है जेदा नामक स्थान पर, और पाकिस्तान इसका सदस्य है यानी कि संस्थापक देशों में शामिल है पाकिस्तान इस ऑर्गेनाइजेशन का। और अगर हम यूनाइटेड नेशन के बाद की बात करें तो यूनाइटेड नेशन आप लोगों को पता है कि विश्व का सबसे बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है वो ICC। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर OIC, और अगर हम भारत की बात करें तो भारत OIC का सदस्य नहीं है, लेकिन वर्ष 2019 में जब इसका 46वां सबमिट आयोजित हुआ था तो भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर यहां आमंत्रित किया गया था। और इस ऑर्गेनाइजेशन के 45वें सत्र में बांग्लादेश ने यह भी सिफारिश की थी इस ऑर्गेनाइजेशन से कि भारत को इस ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जर्वर कंट्री के तौर पर शामिल करना चाहिए, और अगर भारत इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो जाता है तो कहीं ना कहीं दक्षिण एशिया में इसकी पकड़ और मजबूत होगी। तो इस तरह से आप इस ऑर्गेनाइजेशन का एंगल भारत के एंगल से भी देख सकते हो। इसके अलावा अगर हम ये बात करें कि सऊदी अरब ने आखिर पाकिस्तान का पक्ष क्यों नहीं लिया, कश्मीर के मुद्दे पर सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ में क्यों खड़ा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो दोस्ती है वो तो दशकों पुरानी है। तो यहाँ पर सऊदी अरब का कहना है कि जो कश्मीर का मुद्दा है वर्तमान समय में वो भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मुद्दा है, इसीलिए उसमें सऊदी अरब या फिर किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को नहीं आना चाहिए। और अगर पिछले कुछ समय से हम बात करें तो इस ऑर्गेनाइजेशन के जो बाकी कंट्रीज हैं उनके साथ में भारत के रिलेशन काफ़ी अच्छे हुए हैं, जैसे ओमान हो गया, इसके अलावा कतर हो गया, इसके अलावा सऊदी अरब हो गया। तो इन कंट्रीज़ के साथ में भारत के काफ़ी अच्छे रिलेशन हैं वर्तमान समय में है, और पाकिस्तान पर जिस प्रकार से बैन लगाया है तो आने वाले समय में हो सकता है सऊदी अरब से भारत की जो नज़दीकी है वो और अधिक बढ़ जाए। तो ये था हमारा आज का दूसरा टॉपिक। तो आज के दी करेंट अफेयर्स शो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।